शिक्षकों की पोस्टिंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त। शिक्षकों की पोस्टिंग प्रक्रिया पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। कई जिलों में रिक्तियों से ज्यादा पोस्टिंग की गई है। समस्तीपुर में एक ही स्कूल में 40 शिक्षक की पोस्टिंग हो गई है। मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर में रिक्तियों से 3,265 शिक्षक ज्यादा पोस्टेड है। बेगूसराय में रिक्तियों से 1,177 शिक्षक ज्यादा पोस्ट किए गए हैं। जिसमें पोस्टिंग में गड़बड़ी के बाद अब एक्शन लेते हुए सरकार नजर आ रही है। के पाठक ने इस पर अब संज्ञान ले लिया है। के पाठक ने न्यूज 18 की खबर पर संज्ञान लिया है। तो एक साथ समस्तीपुर, सिवान और सारण के अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। समस्तीपुर के डीओ मदन राय और डीपीओ से शोकॉज मांगा गया है। एक ही स्कूल में 40 शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर के कार्रवाई हुई है। एसीएस के पाठक की तरफ से ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है जिनकी वजह से इस वक्त ये किरकिरी हो रही है। बिल्कुल देखिए, सभी डीओ और डीपीओ को आदेश दिया गया था कि स्कूलों में पोस्टिंग से पहले जो भी रिक्तियां हैं उसको विषयवार और स्कूल के आधार पर जो है शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जाए, जिसके आधार पर रैंडमली पोस्टिंग की जाएगी। और रैंडमली प्रक्रिया के जरिए सॉफ्टवेयर से पोस्टिंग शुरू भी हुई है और कुछ जिले में पोस्टिंग जो है अब बाकी रह गई है। लेकिन समस्तीपुर में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर यूजीएमएस चपटा उजियारपुर प्रखंड का स्कूल है, जहां एक ही स्कूल में 1-5 में 41 टीचर की पोस्टिंग कर दी गई। एक बड़ी लापरवाही थी और न्यूज 18 खबर चलाए जाने के बाद के पाठक ने सिवान के, सारण के और समस्तीपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से सीधे शो कॉज कर दिया है और 4 घंटे के भीतर ये जवाब मांगा है। समस्तीपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय, जिन पर ये आरोप लगा है कि उन्होंने रिक्तियों को जो है सही से मिलान नहीं किया और जो छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है उसके आधार पर उन्होंने शिक्षा विभाग को आंकड़ा नहीं दिया।